दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल उद्यत पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूँ, स्पेशली ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, जो कि जिनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन था एनएससी का वो संपन्न हो चुका है, उस हवाले भी कुछ अपडेट दूंगा और साथ ही साथ जो नए अपडेट आए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के हवाले देने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 26 अगस्त के दिन 246वां दिन बुलंदनाड़ा आंदोलन का, ऐतिहासिक आंदोलन का, इसे आप कह सकते हो कि बुलंदनाड़ा का ऐतिहासिक आंदोलन 246 दिनों से चल रहा है। तो अब ये आंदोलन नहीं, अब ये ऐतिहासिक आंदोलन हो चुका है, जैसा कि आप समझ रहे हो, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में आज के समय में। जो हमारे बुजुर्ग वो भी चलाया कि इनके द्वारा जाता है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके द्वारा ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 246 दिन हो चुका है ईपीएस 95 एनएससी का के जो बुलंदनाड़ा आंदोलन है, उस तरह पेंशनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सतत रूप से अटूट जो है चलता जा रहा है आंदोलन, और इसमें मांग है 7500 प्लस डीए और मेडिकल फैसिलिटीज सरकार की तरफ से। बढ़ते हैं अगले तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो कि आपके राष्ट्रीय अधिवेशन का क्लिप्स है, जिसमें अशोक राव जी दो नारे जो है लगवाते हैं और दो नारे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो नारे लगवाते हैं, हम सब एक हैं और ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जो है कमांडर अशोक राव जी द्वारा लगवाया जाता है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन के समय का जो है क्लिप है। गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र भूमि पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति मीटिंग 24/8/2019 और 25/8/2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिसमें विभिन्न प्रांतों के आए प्रतिनिधियों एवं विशेष रूप से मातृशक्ति को सम्मेलन स्थल पर देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब वह दिन दूर नहीं कि जब अल्प पेंशन भोगियों ईपीएस 95 के रिटायर कर्मचारियों के लिए भगवान बनकर उतरे कमांडर राउत साहब ने विगत जिस तरह से प्रयासरत रहकर न देखा न सुना न कभी मिलने की आशा भी की थी, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत माननीय कमांडर अशोक रावत ने जाने कहां से त्रिमूर्ति एकत्रित होकर कारवा को आगे बढ़ाते गए और आज इस स्तर पर भरे सम्मेलन प्रांगण को देखकर आप आए हुए मुख्य अतिथिगणों के विशेष रूप से शिवसेना और के माननीय जी अपने युवा जोश को नहीं रोक पाए और हर स्तर पर प्रयास कर पेंशन दिलाने का पूर्ण आश्वासन भी दिया। विशेष रूप से महाराष्ट्र नांडे के साथियों को जिन्होंने पूर्ण लगन एवं मनोयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, जय भारत। तो जो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जो शिवसेना के युवा मंत्री हैं वो भी उपस्थित थे और उन्होंने जो है यहाँ पर अधिवेशन में अपने बात को रखा और युवाओं का जोश देखते ही बनता था। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स जो है जूम करके भी दिखाता हूँ इस वीडियो के हवाले। तो आप देख सकते हैं कि ये पैम्फलेट था जो कि राष्ट्रीय अधिवेशन का छपा हुआ था, देखिए आपने, और ये आप देख सकते हैं कि जो लोग उपस्थित हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में काफ़ी अधिक मात्रा में, और मातृशक्ति यहाँ पर नमन है। और ये देखिए आप कि जो लोग हैं वो काफ़ी अधिक लोग हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन ए मीटिंग ऑफ सम असम ग्रुप नेशनल एजुकेशन कमेटी मेंबर्स ऑफ ईपीएस 95 एट द रेजिडेंस ऑफ एसएच अजुमदार coordinator Assam group on 6th August, it was decided to send three portfolio holders of a state group, mainly president, secretary and coordinator to Nande. Maharashtra meeting conference scheduled to be held on 23 and 24th of August. Meeting conference scheduled to be held on 23-24th of August 2019, but for the reason unknown,
नो इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई द कंसर्न मेंबर्स रिगार्डिंग देयर प्रपोज जर्नी. एट लास्ट कंसिडरिंग द ग्रेवी सिचुएशन ऑफ नील अटेंडेंस फ्रॉम असम वी हैव फॉलोइंग EPS 95 पेंशनर्स हैड टू क्रिएट प्रेशर ऑन श्री गणेश डेका प्रेजिडेंट असम एंड नेसी टू मूव टू नंदेर to attend the national meet at any cost. It is crystal clear that Sri Ganesh Deka didn't move on his own decision and also had violated any standing norms. So any individual complaint against Sri Deka stands meaningless. The EPS 95 members associated with this are myself. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बता दें कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो लोग उपस्थित रहे हैं, आपको बता दें कि असम से राष्ट्रीय अधिवेशन में कोई भी नहीं पहुँच पाया था, जिस विषय में इन्होंने बताया है अपनी बात को यहाँ पर रखा गया है GP भट्टाचार्य जी द्वारा. ये अपनी बात रखते हैं कि यहाँ पर असम द्वारा कोई भी जो है, हालांकि तीन लोग को वहाँ पर आने का जो है निर्णय था, जिसमें कि कोऑर्डिनेटर थे, सेक्रेटरियत थे और आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट थे असम के, बट वो पहुँचे नहीं NSC की मीटिंग में. तो उस विषय में उन्होंने अपनी बात को रखी हुई है. बात करते हैं नलसा के हवाले. आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय विविध प्राधिकरण है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में हवाले में आपको इसकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ और कैसे आप इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप ग्रेवियंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो अभी का समय देख सकते हैं कि 27 अगस्त का है, यहाँ पर वेबसाइट है ये, और यहाँ पर आपको जाना है. जब आप ये वेबसाइट जो है किसी भी वेब पेज पे खोल लेते हैं, यहाँ पर जो ये वेबसाइट आप दिख रही है, ये किसी भी वेब पेज पे आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का वेबसाइट आपके सामने आएगा. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है. और हालांकि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये वेबसाइट है, ये इस पे हर EPS 95 पेंशनर्स को जो है एक रिक्वेस्ट रेज करना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल. कल भी इसके बारे में बताया था, हालांकि कल मैंने वेबसाइट खोल के नहीं दिखाया था, लेकिन आज मैं वेबसाइट पर भी जाऊँगा और आप देख सकते हैं किस तरह से. आपको बता दें कि यहाँ पर अवेलिंग फ्री फॉर और फिलिंग ग्रेवियंस एंड फिल द डिटेल्स गिवन केस डिटेल्स इन सुप्रीम कोर्ट रेफर द केस डिटेल. तो ये ग्रेवियंस आप फिल करिए सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि जो सुनवाई है वो पोस्टपोन ना हो. और ये जो है ये पोस्टपोन है ओनली 9 सितंबर केस. तो जो 9 सितंबर को केसेस हैं और 19 सितंबर को, उसको पोस्टपोन ना किया जाए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो 19 सितंबर को आप देख सकते हैं कि कुछ फाइनल डिस्पोजल है यहाँ पर, और EPS 95 के केस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड पैम्पलेट है, उसमें लिखा गया है. तो इसके ऊपर जो है ग्रेवियंस आप एक फ्री फिलिंग जो है वो वेबसाइट पे करना है. कैसे आप उस चीज़ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप वो बता सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो सबसे पहले हमने वेबसाइट को खोला. वेबसाइट को खुलते ही आपके सामने इस तरह से कुछ वेबसाइट जो है खुल के आ जाएगा. ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है लीगल. यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं, यहाँ पर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, वेबसाइट के बारे में सब कुछ बताया गया है. ऑफिसर्स के बारे में कुछ, यहाँ पर डायरेक्टर कौन है इस चीज़ के, ये सब चीज़ें बताई गई हैं. अब आप जब वेबसाइट खोल लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए सबसे पहले ही नोटिफिकेशन में आपको आ रहा है फॉर फ्री लीगल सर्विस ऑन फिलिंग ग्रेवियंस क्लिक हियर. तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, वेब पेज दोबारा खुलता है और ये थोड़ा टाइम ले रहा है चूँकि नेट का स्लो है, इस वजह से. अब देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट जो है खुल चुका है. और जब वेबसाइट खुल जाए तो आप यहाँ पर जो है ये चीज़ें आप फिल करना है. आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर, तो आप वहाँ से जो चीज़ जो एप्लीकेशन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको करके दिखाता हूँ. तो ये देखिए, जब जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने वेबसाइट जो है खुल के आ जाती है. तो आप यहाँ पर ये सबसे पहला चूज़ करिए. ये चूज़ करने के बाद आप चाहें तो स्टेट अपना चूज़ कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो एलिगेशन और करप्ट, यहाँ पर देख सकते हैं करप्शंस एलिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मिस
लिनियस एगेशंस हरासमेंट बिहेवियर, तो ये आप कैटेगरी चूज करना है आपको, किस आइटम पे आप करना चाहते हैं, लॉ ऑर्डर के लिए है, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर, लीगल एडवाइस के लिए है, बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी सही लगे, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट मिसलिनियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का है तो उसके ऊपर भी आप चूज़ कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि आप, अब यहाँ पर आपको वो बताना है कि रिक्वेस्ट में जो है EPS 95 केस के बारे में जो कि आप लिख सकते हैं कि किस तरह से EPS 95 पेंशनर्स जो है लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और इसको पोस्टपोन ना किया जाए, इस केस की सुनवाई करके फाइनल जो है इस पे ऊपर डिस्पोजल दिया जाए, फाइनल निर्णय ले लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब देखिए फोटोग्राफ अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं और नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जो कुछ चीज़ कंपलसरी है उस पर रेड बना हुआ है, इस पर कहीं पर भी रेड आपको नहीं दिख रहा है, इस वजह से अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप बाकी डिटेल भर सकते हैं, जैसे जेंडर हो गया आपका, मोबाइल नंबर हो गया, और बाकी यहाँ पर अपना कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें आप भर सकते हैं। करंट एड्रेस भर सकते हैं, स्टेट भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, तालुका भर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप भर सकते हैं। फिर लीगल और गेट, यहाँ पर एप्लीकेशन आपने पहले भी अगर भरा है तो यस कर लीजिएगा, अगर कभी इस तरह से आपने नहीं भरा हुआ है तो नो कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर अपना एड्रेस फिर से भर सकते हैं, और केस डिटेल्स में आप भर सकते हैं EPS के केस का डिटेल्स, जो कि वेदर एनी केस हैज़ बीन फिल्ड प्रीवियसली, अगर आपने कोई भरा है तो भर दीजिएगा येस और नो, और वहाँ पर अगर नहीं भरा है तो आप उसको रहने दीजिएगा। फिर आप डॉक्यूमेंट्स में जो कंप्यूटर जनरेटेड मैंने आपको दिखाया है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, तो आप उसे ले सकते हैं और उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद आपको सबमिट इस पर करना है। तो इस तरह से आप जो है एक अपना ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए आप सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।